एक सेठानी थी, उसके परिवार में केवल उसकी माँ थी। इसलिए जब भी उसे माँ के घर जाना होता तो उसको अकेले ही अपने पीहर जाना पड़ता। एक दिन सेठानी की माँ के घर से निमंत्रण आया। सेठानी अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। उसने अपना सारा जेवर उतार कर गठरी में बांध लिया और रवाना हो गई। जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसे एक चोर मिल गया। वो बोना था। सेठानी बड़ी ही चतुर थी। उसे पता चल गया कोई जुगत लगानी पड़ेगी, वरना ये चोर तो उसका सारा गहना लूट लेगा। उसने चोर से कहा, भैया मैं अकेली, मेरे ससुराल में भी कोई नहीं है। हम किसी योग्य व्यक्ति को गोद लेना चाहते हैं। क्या आप हमारे गोद आएंगे? इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा? दोनों औरतों का सारा माल हाथ लगेगा। चोर ने कहा, आप मुझे गोद लेना चाहें तो मैं तैयार हूं। सेठानी बोने चोर को लेकर अपनी माँ के पास पहुंची। वहां चोर का अच्छा स्वागत हुआ। खूब भांग पिलाई गई, खूब मेवे मिठाई खिलाए गए। वह चोर नशे में चूर हो गया और नशे के मारे बेहोश हो गया। सेठानी ने मौका देखकर चोर को बोरी में डालकर बांध दिया। फिर सेठानी ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, देखो इस बोरे को हमें जंगल के किसी कुएं में डालना है। जब नौकर चोर को जंगल के कुएं में डालने ले जा रहे थे तो सेठानी भी उसके पीछे पीछे चली। उधर जंगल में भी चारों चोर चोरी का प्लान बना रहे थे। उन्होंने सेठानी और नौकरों को बोरे ले जाते हुए देखा तो समझा बोरे में बहुत माल होगा। चोर भी चुपके चुपके सेठानी का पीछा करने लगे। सेठानी को पता चल गया कि उसका पीछा चार चोर कर रहे हैं। सेठानी बोरा लेकर कुएं के पास पहुंची। उसने नौकर से कहा, कोई देख तो नहीं रहा है? यदि कोई देख लेगा तो बोरे का सारा माल निकाल लेगा। नौकर ने उत्तर दिया, इतनी रात भला यहाँ कौन होगा? सेठानी ने आगे बोरे को कुएं में डलवा दिया और अपने घर की ओर रवाना हो गई। उधर चोरों ने समझा कि जरूर बोरे में माल होगा। चारों चोर कुएं के पास आए। पहले एक चोर कुएं में कूदा। कुएं में बोरा तैर रहा था। वहां जाकर पता चला कि बोरे में तो आदमी है। तो अंदर वाले चोर ने बाकी तीन चोरों को हाथ हिलाकर इशारा किया कि कुएं में मत आना, यहाँ माल नहीं है। कुएं पर खड़े बाकी के तीनों चोरों ने यह समझा कि भीतर का माल हमारे साथी एक एक करके हड़पना चाहते हैं, इसलिए हमें मना कर रहे हैं। दूसरा चोर भी भीतर कूद गया। उसने भी हाथ हिलाकर इशारा किया, पर बाहर खड़े चोरों को भी यही लगा कि अंदर गए उनके दोस्त सारा माल अकेले हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो भी अंदर कूद पड़े। पर अंदर बोरे में कोई माल नहीं था। जैसे तैसे करके उन्होंने बोरा बाहर निकाला तो उसमें बोना चोर था। असल में बोना चोर उनका गुरु था। सबको पता चला कि सेठानी ने ना केवल उनको बल्कि उनके गुरु को भी धोखा दिया है। सभी चोरों ने सेठानी से बदला लेने का निश्चय किया। एक रात पांचों चोर सेठानी के घर पहुंचे। सभी ने छत से अंदर जाने की योजना बनाई, पर इधर खुसर फुसर से सेठानी को पता चल गया कि बाहर पांचों चोर बदला लेने के लिए आ धमके हैं, जिनको उसने बेवकूफ बनाया है। अंदर सेठानी तेज धार वाला चाकू लेकर तैयार हो गई। सबसे पहले बोना चोर चढ़ा और जैसे ही छत से अंदर की ओर झांका तो तैयार खड़ी सेठानी ने झट से बोने चोर का नाक काट डाला। बोना चोर दर्द के मारे चटपटा गया और छत से नीचे उतरा। उसे अपना नाक कटा बताने से उसे शर्म आ रही थी। उसने नाक से हाथ नहीं हटाया और अपने चेलों से कहा, उसके नाक में कील लग गई है। अब दूसरा चोर भी ऊपर पहुंचा। उसने भी जैसे ही छत से अंदर झांका, सेठानी ने उसकी भी नाक काट दी। दूसरा चोर भी बोने चोर की तरह अपने आप को नकटा बताने को तैयार न था। उसने भी नाक पर कील लगने का बहाना किया। तीसरे चोर ने कहा, मैं देखता हूं, पर सेठानी ने उसकी भी नाक काट डाली। बाद में बचे चोर भी बारी बारी से छत पर चढ़े, पर सेठानी ने सबकी नाक काट डाली। सब नाक काटने के कारण दर्द से परेशान थे और वहां से भाग गए। पांचों चोरों ने सेठानी से बदला लेने के लिए फिर से तैयारी की। एक बार सेठानी जंगल में लकड़ियां लेने गई तो मौका देखकर बदला लेने के लिए पांचों चोर भी उसके पीछे हो लिए। वे सेठानी को जान से मारना चाहते थे।
सेठानी को पता लगा कि चोर उसके पीछे हैं, तो वो वहां से दौड़ी। चोर भी सेठानी के पीछे पीछे दौड़े। सेठानी रास्ते में बड़े पेड़ पर चढ़ गई। पांचों चोर पेड़ के नीचे आए। वे थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब सेठानी कहां भाग सकती है, आएगी तो पेड़ के नीचे ही, बदला बाद में लेंगे, पहले कुछ आराम कर लेते हैं। सभी चोर आराम करने लगे और उनकी आंखें लग गई। उधर पेड़ पर सेठानी बचने का उपाय सोचने लगी। उसने एक टहनी तोड़कर एक तगड़े चोर के ऊपर फेंका। चोर की आंख खुली तो उसने देखा सेठानी प्रेम भरे इशारे करके उसे बुला रही थी, तो चोर भी चुपचाप पेड़ पर चढ़ने लगा कि आखिर सेठानी उसे क्यों बुला रही है। ऊपर आने पर सेठानी ने उस चोर से प्रेम से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाह रही हूँ। विवाह के बाद मेरी सारी धन दौलत तुम्हारी हो जाएगी। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे? चोर बोला, तुम जो कहो वो मैं करने को तैयार हूँ। सेठानी बोली, पर विवाह से पहले मेरी एक शंका है। मैंने सुना है चोरों की जबान काली होती है, क्या ये बात सच है? सेठानी की बात सुनकर चोर हंसा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी भी जीभ बाकी लोगों की तरह ही होती है। पर मुझे तो विश्वास नहीं होता, पर मैं देखना चाहती हूँ, जरा आंख बंद करो और मुझे अपनी जुबान दिखाओ तो। चोर ने आंखें बंद करके जैसे ही सेठानी की ओर जीभ आगे की, सेठानी ने तेजी से चाकू निकाला और उसकी जीभ काट दी। जबान करते ही दर्द से चिल्लाता चोर ऊपर से अपने साथियों पर जाकर गिरा। नीचे चोरों ने समझा कि कोई भूत ने उसको धक्का दिया है। जीभ कटे चोर के मुंह खून से भर गया था। जीभ कटने के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। चोर वहां से भूत के डर से भागे। जीभ कटा चोर भी अपनी बात समझाने के लिए लग करता हुआ पीछे पीछे दौड़ने लगा। चारों चोरों को लगा भूत हमारा पीछा कर रहा है। थोड़ी ही देर में चोर वहां से गायब हो गए। सेठानी पेड़ से उतरी और आराम से घर चली गई। इस प्रकार सेठानी ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान को बचाया।